ये मूवी मैंने बस ऐसे रैंडमली ही देख ली, ना तो मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा, ना तो मैंने इसका कोई ट्रेलर देखा, और मुझे इससे कोई उम्मीदें भी नहीं थी। और ऐसा होता है ना कि जिससे उम्मीदें नहीं होती वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी निकल जाती हैं, तो खैर ऐसा ही इस मूवी के साथ हुआ। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा ट्रोल हंटर्स राइज ऑफ द टाइटन्स एनिमेटेड मूवी के बारे में, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया इसी साल। और ये एक एनिमेटेड सीरीज भी है, काफ़ी बढ़िया सीरीज है, मैंने जितना पढ़ा है इसके बारे में, खैर मैंने नहीं देखा है, जितना मैंने इसका रिव्यू देखा है IMDb के ऊपर जाकर, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर तारीफ कर रखी है, तो वहां पर मुझे पता चला कि काफी अच्छी सीरीज है। खैर मैंने नहीं देखी है, मैंने ये मूवी देखी है, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बारे में भी चर्चा करते हुए ये बात करेंगे कि क्या ये मूवी समझ आ जाएगी कि बिना एनिमेटेड सीरीज देखे। खैर कुछ चीजों में जो मुझे दिक्कत आई वो ये कि भैया जो इसके अंदर जो करेक्टर थे, काफी सारे करेक्टर थे, उनके नाम याद नहीं हुए। दूसरा कि इसमें जो करेक्टर है उनके बैकग्राउंड की क्या स्टोरी चल रही थी, तो ये वाली जो चीज इसमें थोड़ी बहुत दिखाई जाती है वो हमें इतनी समझ नहीं आ पाती है, और जैसा वर्ल्ड इसके अंदर दिखाया गया उसको भी समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। खैर मूवी के ऊपर फोकस करते हैं, इसकी कहानी जितनी मेरी बुद्धि में आ पाई उसी के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पर इंसान, जादूगर, एलियन, रोबोट थे, राक्षस जिन्हें ट्रोल्स कहा गया, और ये जो ट्रोल हैं वो खराब हैं, और इनको रोकने के लिए ट्रोल हंटर्स की एक टीम है जिसके अंदर इंसान भी हैं, एलियंस भी हैं, और कुछ अजीब से करेक्टर्स भी हैं। और इसके अंदर जो मेन करेक्टर है जिम नाम का जो करेक्टर है, उसके जो एक इंसान होता है, और यहां पर इसको चुना जाता है एक एमुलेट के द्वारा, और इसको पावर दी जाती है, और यहां पर ये ट्रोल हंटर बनता है। और इसके अलावा जो इसमें दिखाया गया, जो इसकी कहानी है, इसमें दो जादूगर या तीन जादूगर, एक्चुअल में दो ही हैं, तीसरा आप समझोगे जब आप इस मूवी को देखोगे, तो वो वर्ल्ड को फिर से, यानी पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को फिर से रिस्टार्ट करना चाहते हैं। सिंपल भाषा में समझाओ वो पृथ्वी को बर्बाद कर देना चाहते हैं, पूरी मानव जाति को खराब कर देना चाहते हैं, जो भी इस धरती पर रह रहा है उस सबको तबाह कर देना चाहते हैं, और कहते हैं कि इसका पुनर्जन्म करेंगे। और इनको रोकने की जिम्मेदारी होती है इन ट्रोल सेंटर के ऊपर। देखो ज्यादातर लोग जो है वो एंडिंग को गैस कर लेते हैं कि एंडिंग में क्या होने वाला है, लेकिन जो मेन चीज होती है जिसमें हमारा इंटरेस्ट बनता है वो इसकी जर्नी का होता है, कि भैया हमें शुरू से लेकर आखिर तक कैसी हमें दिखाई गई, हम उसके साथ कैसे कनेक्ट हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे कैसे सस्पेंस आए, तो वो चीज मेन चीज होती है। और सच कहूं ये वाली जो जर्नी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई गई है इस मूवी के अंदर। और जो सबसे बढ़िया चीज मुझे इसमें लगी वो थी इसकी एनिमेशन, इतनी बढ़िया एनिमेशन मुझे लगी। और मैं आप लोगों को रिकमेंडेड करूंगा कि आप लोग जब इस मूवी को देखने बैठे तो इसको 180p में ही देखें, या उससे हाई भी देख सकते हैं, तो तभी आप लोग इसकी एक्चुअल एनिमेशन को एंजॉय कर पाओगे। और जब इस मूवी को मैं देखने बैठा था तो मुझे लगा नहीं था कि यार इसके अंदर जितने करेक्टर हैं उसमें से ज्यादातर करेक्टर वो मार देंगे। खैर मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, बट थोड़ा सा मैं जो इसमें सरप्राइज हुआ ये वाली चीज देखकर, लगा नहीं था कि यार ये मूवी, मुझे लगा कि हल्की फुल्की होगी, हाँ थोड़ी बहुत कॉमेडी होगी, ऐसा मैंने सोचकर इसको देखा था। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, इसमें करेक्टर को मारा जाता है यार, फिर एक डर सा हमारे अंदर बन जाता है कि यार इस वाले करेक्टर को मत मार देना, क्योंकि यार ये हमें थोड़ा अच्छा लगने लग गया, हम इसके साथ कनेक्ट हो गए हैं। 1 घंटा 30 मिनट लंबी इस मूवी के अंदर हमें जो करेक्टर दिखाए जाते हैं उसके साथ हम थोड़ा बहुत कनेक्ट भी हो जाते हैं, जिससे हम इमोशनल भी हो जाते हैं जैसा जैसा ये मूवी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे जो करेक्टर है वो गायब होते चलते हैं। ओवरऑल जो मूवी की स्टोरी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी भी डाली गई, थोड़ी बहुत क्या, काफी अच्छी कॉमेडी है जितनी इसके अंदर की गई है, और सच में वो देखकर आप लोगों को हंसी आ जाएगी। और जितने भी इसके अंदर करेक्टर दिखाए गए वो सच में काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं, हर एक का अपना अपना जैसे बिहेवियर है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। खासकर मुझे कॉमेडी के पर्पज पे भी दो जो करेक्टर वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, उनके नाम तो मुझे याद नहीं है। एट द एंड इस मूवी की जो एंडिंग है वो भी काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि बढ़िया सा एक ट्विस्ट दिया गया है जो काफी आप लोगों को पसंद आएगा। खैर इसलिए भी मुझे ज्यादा पसंद आया क्योंकि मुझे इस मूवी से कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, शायद ये भी कारण हो सकता है। और जो इसमें नेगेटिव चीजों की बात करूं तो एक जो मुझे नेगेटिव इसके अंदर चीज लगी वो ये कि इसमें जो जिम करेक्टर, जो मेन करेक्टर है जिम, उसका बिहेवियर बड़ा इमैच्योर लगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो करेक्टर खराब है, हाँ वो इंसान होने के बावजूद भी उसके पास पावर नहीं होती है, तब भी वो लड़ता है दुनिया को बचाने के लिए, अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है, आखिरी दम तक वो लड़ने की कोशिश करता हुआ दिखाया गया है, तो लेकिन उसका जो बिहेवियर जैसा इसमें दिखाया गया वो बड़ा अजीब सा है। और दूसरी चीज जो मुझे इसके अंदर पसंद नहीं आई वो थी इसके अंदर जो एक्शन दिखाया गया, खैर मैं उसे एक्शन कह भी नहीं सकता क्योंकि बड़ा ही अटपटा सा एक्शन था, वो ना के बराबर ही था जितना भी था, तो ये दो चीजें मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड करती हैं इस मूवी के अंदर। खैर बावजूद इसके ये मूवी आप देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, स्टोरी भी अच्छी है, कैरेक्टर डेवलपमेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा,
रहेगा, कॉमेडी भी है, आपका शुरू से लेकर आखिर तक इंटरेस्ट बना भी रहेगा। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10 स्टार। और सबसे अच्छी बात कि आप लोगों को ये हिंदी डब में मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता कि ज्यादातर एनिमेटेड जो मूवीज होती है, खासकर एनिमे, वो नहीं मिलती है, लेकिन ये वाली एनिमेटेड मूवी या एनिमेटेड सीरीज का तो मुझे नहीं पता, ये एनिमेटेड मूवी जो है वो आप लोगों को हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। खैर, अगर जिन्होंने ये मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, और अगर आप लोगों ने इसकी एनिमेटेड सीरीज भी देख रखी है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा तो एक बार आप जरा इसको स्टार्ट करिए, वाकई में आप लोगों को ये मूवी पसंद आने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।